बुंदेले हरबलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूँगा। बुंदेले हरबलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नज़ारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड तक। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।